अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके बेटा, ओपन योर काउंट डाउन बुक। टुडे वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। आई होप यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी दैट वी लर्न इन द लास्ट वीक। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय डैश। अगर कोई नंबर 2 and 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 6। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय डैश विद नो रिमाइंडर, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर नंबर कोई भी जो नंबर में हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा तो वो किससे डिविजिबल होगा? 9 से। 1038 इज डिविजिबल बाय 2, 3 and डैश। बेटा, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सिक्स, आप देखेंगे अगर लास्ट नंबर जो है वो इवन है तो इट्स मीन वो 2 पे डिविजिबल है। बाकी हम इसको ऐड करने से देखेंगे, 8 में 3 ऐड करेंगे बेटा 11, 11 में 1 ऐड करेंगे 12, इट्स मीन ये 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 और आर 0। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 8, अगर लास्ट 3 डिजिट्स मतलब यूनिट प्लेस, टेंस एंड हंड्रेड अगर जीरोज हैं तो वो 8 पे डिविजिबल है, और अगर तीनों नंबर्स 8 पे डिविजिबल हैं लास्ट तो अमाउंट जितनी मर्जी बड़ी हो वो 8 पर डिविजिबल है। 450 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5 डैश एंड डैश। बेटा, 450 किस किस पे डिविजिबल है? लास्ट नंबर इवन है तो इट्स मीन ये 9 पे भी डिविजिबल है और 10 पे भी, क्योंकि लास्ट पे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 जिसमें हमने 10 का रूल पढ़ा था, अगर लास्ट पे यूनिट प्लेस पे 0 है तो बेटा वो 10 पे डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स। इफ एवरी डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अगर सारे नंबर जो हैं वो डिविजिबल हैं 4 पर, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो वो नंबर किस पे डिविजिबल होगा? 4 पे, तो इट्स मीन ये ट्रू है। 9482 इज डिविजिबल बाय 9, तो बेटा हम लास्ट देखेंगे इवन नंबर और बाकी हम इन वैल्यूज को ऐड करेंगे। 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 10 में 4 ऐड करेंगे तो बेटा 14, 14 में जब बेटा हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 23। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि 9 पे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 23 जो है वो 9 पे डिविजिबल नहीं है। 1920 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ये स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है। अगर आप इसको ऐड करके देखेंगे तो ये डिविजिबल है। सम ऑफ 210 and 315, आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इज नॉट डिविजिबल बाय 6, तो बेटा ये ट्रू स्टेटमेंट है। आप इसको ऐड करने के बाद आप रूल नंबर जो 6 है इसके अंदर पुट करके चेक करें। प्रोडक्ट ऑफ 150 and 40, प्रोडक्ट मीन आपने 150 को 40 पे मल्टीप्लाई करना है, देन उसको चेक करना है कि वो 8 पे डिविजिबल है या नहीं। 150 एंड 40 को जब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो प्रोडक्ट आएगा, आंसर आएगा, आपने उसके लास्ट 3 डिजिट्स देखने के वो 8 पे डिविजिबल हैं, या अगर लास्ट 3 डिजिट्स जीरोज हैं तो वो 8 पे डिविजिबल हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बेटा, आपने ये दोनों अच्छे से करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी और ट्रू फॉल्स भी, और अपने इसके साथ अपने रूल्स को रिवाइज करना है जो कि पेज नंबर 27 पे है। आपने लास्ट फ्राइडे को भी आपकी डायरी थी, आपने टेबल लर्न करना था, आपने उन 2 क्वेश्चंस के साथ इस टेबल को अगेन रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें।